जिला स्तर पर फेरबदल होगा। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम ने गड़बड़ी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, चुनाव के 10-12 दिनों बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने वाले के आंकड़े पर सवाल, शंका का समाधान करे चुनाव आयोग। दीपक बैज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी दाखिल की थी पीआईएल, विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और अब अचानक से जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर संशय बरकरार है कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया कि चुनाव के 10-12 दिनों बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने वाले के आंकड़े पर सवाल किया गया है। नामे भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं, इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, न कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं न कहीं शंका का विषय है, इस पर स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। हैक होने की भी संभावना जताई। अब देखिए, चुनाव हम तो, हमारी विपक्ष गठबंधन पार्टी तो चाहती है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने मशीन ला के दिखाए, लेकिन चुनाव आयोग तो तैयार नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, हम देख पा रहे थे कि दो चरणों के बाद अचानक से वोटिंग प्रतिशत में उछाल देखा गया है और अब ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर दीपक बैज सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए चाहे विधानसभा चुनाव की हम बात करें या लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते आई है इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहा है कि अभी चुनाव चल रहा है, ऐसे में इस पर इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि इतने जल्दी जो है फाइनल आंकड़े जारी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मशीनों को भी वापस लौटने में समय लगता है। और अब एक बार फिर कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस समस्या का समाधान करना चाहिए क्योंकि ये देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो है वो चिंता का विषय है। और जब वोटिंग होती है तो वोटिंग होने के 10-12 दिन बाद अचानक से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी जाती है, तो ऐसे में जब वोटिंग हो तो वोटिंग के सब, जब सारे मशीन जो है वो जमा हो जाए तो वोटिंग के 24 घंटे बाद ही चुनाव आयोग को फाइनल आंकड़े जो है वो डिक्लेयर करने चाहिए। तो पहले भी लगातार कांग्रेस जो है ईवीएम पर निशाना साधते आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ईवीएम को लेकर बीजेपी के नेता नजर आए। बीजेपी से केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अचानक से अब सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर। दीपक बैज का बयान है कि अचानक से ये जो वोटिंग प्रतिशत में उछाल देखा गया, ये कैसे, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से षड्यंत्र की ओर निशाना कर रहे हैं केदार जी? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि जिस दिन पोलिंग होती है, मतदान होता है, उस दिन हर पार्टी का पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के अंदर रहता है और जब पोलिंग समाप्त होती है तो ईवीएम में कितने वोट पड़े, कितना परसेंटेज हुआ, उसका वो सर्टिफिकेट लेता है और वहां पर अधिकारी उसे दस्तखत करके देता है कि इतने वोट कुल इस ईवीएम में पड़े हैं। तो जब सारी मशीनें वहां जमा होती है उसमें समय लगता है, उसके बाद वो आंकड़े जारी होते हैं। अगर दीपक बैज और कांग्रेस को इतना संशय है तो अपने कार्यकर्ताओं से सर्टिफिकेट मंगाकर मिलान कर ले। कांग्रेस हार की ओर आगे बढ़ रही है और उसके पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है। देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि सारे पोलिंग एजेंट कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा के हो, सपा के हो, सारे बैठे रहते हैं मतदान केंद्र पे, सबको सर्टिफिकेट। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस हैं आप। धनंजय जी, केदार जी का तो कहना है कि सारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं तमाम राजनीतिक दलों के, वो तो उस वक्त मौजूद रहते हैं, वो साफ तौर पर देखते भी हैं और तभी ये स्पष्ट हो जाता है कि कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है। फिर ये सवाल उठाना गलत है, कांग्रेस हार की तरफ है और इसलिए अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से मतदान के बाद 2-4 दिन बाद मतदान के प्रतिशत बढ़ रहे हैं, उसमें सवाल उठना लाजमी भी है और जरूरी भी है। बस सारे सिस्टम जब है, जब तत्काल आप मतदान होने के बाद वहां के बूथ के एजेंट को आप जब प्रमाण पत्र देते हो तो उस प्रमाण पत्र को जमा होने में कितना टाइम लगता है? ऑनलाइन सारे चीज आती है, जब मतदान होते रहता है आप देखेंगे ऑनलाइन से आपको सिस्टम पर चलता है कितना परसेंट मतदान हुआ, कितना परसेंट मतदान हुआ। जब आप सारे जगह से मतदान के प्रतिशत ऑनलाइन ला के शो कर देते हो तो टोटल काउंटिंग बताने में 6-7 दिन क्यों लगता है?
और जब ईवीएम पे सवाल उठाओ, चुनाव निर्वाचन प्रणाली के आयोग पर सवाल उठाओ, तो भारतीय जनता पार्टी पीड़ा क्यों होती है? अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे। हम सवाल उठाएंगे क्योंकि इस लोकतंत्र को बाधित करने का षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा जा रहा है। और जब आप सुनिए ना, सब खुद ही समझ लीजिए, मतदान हो चलते रहता है, पूरे देश के मतदानों से आप प्रतिशत दे सकते हो, और जब मुख्य कुल परसेंटेज आप देना है तो आपको 4 दिन 5 दिन का समय लगता है। ये आखिर ये ऐसी अवस्थाएं क्यों हो रही है? तो सवाल तो उठेगा, लाजमी है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात करे केदार गुप्ता जी, निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता की तरह बात ना करे, निर्वाचन आयोग जवाब देगा उसका और अपने अपने जो दायित्व उसका निर्वहन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए, और तनु आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं केदार गुप्ता जी अपनी बात कर रहे हैं कि तमाम पहले पोलिंग बूथों पर जो एजेंट्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं। धनंजय जी का कहना है कि अचानक से जो मत प्रतिशत में बढ़ावा देखा जाता है, ये कैसे पॉसिबल है, और इसको लेकर अब दोनों ही सियासी पार्टियों में वार पलटवार किया जा रहा है। शंका का समाधान चुनाव आयोग करे, दीपक बैज की ये मांग है। कांग्रेस ने ईवीएम में फिर से एक बार गड़बड़ी का सवाल उठाए हैं और अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव के 10-12 दिनों बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर आपत्ति और शंका जाहिर की है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।